महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल रात शहर के विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ की राजनीति अब तक नाकाम राजनीति रही है, इस बार जनता काम की राजनीति चाहती है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनता आपका समर्थन कर रही है। महेंद्रगढ़ की राजनीति मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अब तक की नाकाम राजनीति रही है, तो इस बार एक एक व्यक्ति काम की राजनीति चाहता है। ईमानदारी से, सच्चाई से, जनता से किया हुआ एक एक वादा गारंटी के रूप में पूरा हो। सरकार बनने के बाद नेताओं के चक्कर ना काटने पड़े, नेताओं का इंतजार ना करना पड़े। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़कर आज सारी की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, सब समस्याओं का समाधान ले रहा है, इसी तरह हरियाणा के अंदर और विशेष तौर पर महेंद्रगढ़ में आम लोगों ने ये मुहिम उठा ली है, ये संकल्प ले लिया है कि पुरानी राजनीति 45 साल से जो इन दोनों पार्टियों पर बार बार विश्वास कर रहे, इनका बटन दबा रहे हैं, इस बार उसे छोड़कर तीसरे नंबर का बटन, झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, अरविंद केजरीवाल को मजबूत। महेंद्रगढ़ में आम आदमी 45 सालों से दोनों पार्टियों को मौका दे रही है, लेकिन इस बार जनता आम आदमी पर विश्वास जता रही है। पिछले 45 साल में यहां के नेताओं ने क्षेत्र का विकास न कर अपना और अपने परिवार का विकास किया है। राव दान सिंह स्वयं को विकास पुरुष बता रहे हैं। जनता से पूछें तो पता चल जाएगा कि वो विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं। अगर महेंद्रगढ़ की आप पार्टी को आशीर्वाद देती है तो महेंद्रगढ़ को उसके मुख्यालय का हक दिलाएंगे। बेरोजगारों युवाओं के लिए IMT स्थापित करवाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को अच्छा किया जाएगा ताकि गरीब लोगों को अच्छे चिकित्सा सुविधा और अच्छी शिक्षा मिल सके। देखिए, जनता के मुंह से अगर आप पूछेंगे और जनता से अगर जाके ये सर्वे करेंगे तो एक एक व्यक्ति आपको इसकी असलियत बता देगा। पिछले 10 साल में एक भी ईंट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के काल में नहीं हुआ। लोगों की समस्याएं बड़ी, आम लोगों, गरीब लोगों ने चक्कर काटे हैं, लाठियां खाई है, संघर्ष किया है। सड़कों की हालत, गलियों की हालत अगर आप देखेंगे तो उससे साफ पता चल जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। महेंद्रगढ़ के हालत चीख चीख के बोलते हैं कि 10 साल के भाजपा काल में, भाजपा के शासन में या दूसरी पार्टियों के शासन में 45 साल से यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है, इलाका पिछड़ता रहा है। महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत के लिए चुनावी प्रचार भी तेज कर दिया है। अक्सर आप जनता से रूबरू हो रही हैं। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। राधे श्याम की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।